बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर जनाब, आज का टॉपिक है कि हम कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखेंगे और फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट लगवाएंगे, और सबसे अहम बात प्रॉफिट और लॉस पता करेंगे कि कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आएगा। यहाँ पर आएगी आईडी, यहाँ आएगा प्रोडक्ट नेम, या सिर्फ हम प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर आएगा उसके आगे प्राइस। और याद रखें, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी आपने कितने का ख़रीदा। एक दुकानदार कोई दुकान खोलता है तो वो दो तरह के रिकॉर्ड रखता है, पहले ख़रीदे हुए कि वो कितने का ख़रीद रहा है, और दूसरा सेलिंग रिकॉर्ड कि वो कितने का सेल कर रहा है उसे। ठीक है, तो ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस। और फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट करवाएंगे प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है जनाब, तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक सा टारगेट हो जाएगा कवर, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता करेंगे। इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं, दिखने में कुछ सूटेबल लगे, अच्छा सा लगे। ठीक है, और मैं इसको टेबल फॉर्मेट में ले आता हूँ, और मैं इसे टेबल फॉर्मेट में ले आता हूँ। तो फॉर्मेट एज टेबल, और यहाँ से फॉर्मेट का टेबल लिया, हेडर सेलेक्ट किए, टेबल फॉर्मेट पर ले आया हूँ। सही है, यहाँ से हम अब अपने प्रोडक्ट की पहली आईडी लिखेंगे। प्रोडक्ट का नाम होगा लैपटॉप, और उसकी कॉस्ट प्राइस होगी 45,000, और उसकी जो सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे रखेंगे, सेलिंग प्राइस रख देंगे 50,000। ठीक है, वैसे तो वर्बली हमें नज़र आ रहा है कि फ़ायदा है, पर हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम कैलकुलेट करवाएं। ठीक है भाई, क्योंकि हमें कैलकुलेट करवाना है कि क्या प्रेफरेंस है। ठीक है, अच्छा, नाउ सेकंड प्रोडक्ट ऐड करने के लिए टैब दबा के नेक्स्ट आएंगे, इक्वल लेके इस आईडी के ऊपर प्लस वन कर लिया। सेकंड प्रोडक्ट मेरा होगा टीवी, सही, और टीवी की प्राइस होगी 50,000, और उसकी सेलिंग प्राइस होगी 49,000। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे 1003, जो कि होगा फ्रिज, फ्रिज की प्राइस 65,000 और सेलिंग प्राइस 69,000। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट रेडी है, यहाँ पर इनकी कॉस्ट प्राइस है, इनकी सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट निकालने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखें क्या होगा। सबसे पहले तो हम डिफरेंस करेंगे इफ़, अगर, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्या, सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट, इफ़ अगर सेलिंग प्राइस, देखो ये लिखा रहा है, अच्छा ऐसे लिखा आ जाएगा, अभी तक कैसे लिखा आता था देखो यहाँ पे, इफ़ तो सेल रेफरेंस लिखा आता था। ठीक है, लेकिन जब तुम टेबल के अंदर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, टेबल के अंदर जब फॉर्मूला लगाओगे तो वो कॉलम का नेम लिखा हुआ आ जाएगा, देखो। ठीक है, और इस ऐड का क्या मतलब है, इस ऐड का मतलब होता है पैरामीटर, पैरामीटर मतलब इस वाली कॉलम का ये वाली वैल्यू वो खुद से जज कर लेगा। ठीक है, तो इस सूरत में अब क्या करेंगे, दोबारा देखें, फॉर्मूला स्टार्ट होगा इफ़ अगर सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि आप यहाँ पर लिखवाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस, वापस से उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के, यानी दोनों प्राइसेस अगर बराबर हैं, तो आप क्या लिखवाएंगे, नो प्रॉफिट एंड लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ बराबर होने की सूरत में। सही है, अदरवाइज आप क्या लिखवा दोगे, लॉस, और यहाँ ब्रैकेट लगाएं, एंटर करें, देखें ऑटोमेटिकली खुद से फॉर्मूले लग जाएंगे। टेबल का फ़ायदा क्या है, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली खुद तक लग जाता है, आपको लगाना नहीं पड़ता। अब देखो हुआ क्या, 45,000 कम है, बेचा ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा का ख़रीदा कम का बेचा लॉस हो गया। ठीक है, ज़्यादा का खरीद का कम का ख़रीदा ज़्यादा का बेचा प्रॉफिट है। अब अगर मैं इसको 65,000 कर दूं, अगर मैं इसे 65,000 कर दूं, तो देखो क्या लिखा रहा है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। सही, अगर मैं इसको 65,000 और वन कर दूं तो क्या आएगा, प्रॉफिट, इवन 1 रुपये का भी फ़र्क है तो प्रॉफिट। तो इस तरह हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करवा लेंगे, 1 रुपये का भी फ़र्क है तो प्रॉफिट आएगा, और इवन अगर यहाँ पे 0.5 का भी मैं फ़र्क रखूँ तो भी प्रॉफिट आएगा, यानी कि आधे पैसे का भी
आधे रुपए का भी फ़र्क वो यहाँ पर बताएगा हमें, ठीक है जी। तो यहाँ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। नाउ माई नेक्स्ट टारगेट इज़, मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता ही हूँ कि इस प्रॉफिट के सामने लिखा हुआ है, इसी प्रॉफिट के सामने किधर, इस प्रॉफिट के साथ ऐसे लिखा हुआ है प्रॉफिट रुपीस 5000, ऐसे लिखा है। अभी तो कैसे लिखा रहा है, देखो प्रॉफिट लिखा रहा है ना, और अब कैसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। तो कोई हल है, पता है किसी को क्या होगा? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से होगा, आप देखना गौर से, ठीक है। इस वाले टारगेट को जो ये मैं टारगेट बता रहा हूँ, इसे अब हम नेक्स्ट में कन्वर्ट कंप्लीट करते हैं। फिलहाल आप इसको परफॉर्म करें ताकि हमारे पास ये टेबल रेडी हो जाए।